राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के तहत पार्षदों के बाद अब निकाय प्रमुख के चुनावों में जुटी कांग्रेस बीजेपी अपना पूरा फोकस बाड़ेबंदी पर कर रखा है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने पार्षदों के साथ अब निर्दलीय पार्षदों को भी अपने खेमों में शामिल करने के लिए जोर शोर से जुटी है। आलम यह है कि पार्टियां द्वारा अपने पार्षदों को टूटने से बचाने के लिए बाड़ेबंदी के स्थान भी बदले जा रहे हैं। दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की निगरानी में पार्षदों की बाड़ेबंदी चल रही है। 49 निकायों के चुनाव परिणाम कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले बढ़त ले रखी है। 2105 वार्डों में कांग्रेस ने 961 और बीजेपी ने 737 वार्ड जीते हैं। इनके अलावा 386 वार्डों पर निर्दलीय काबिज हुए हैं, जबकि बसपा महज 16, माकपा 3 और एनसीपी 2 ही वार्ड जीत पाई है। परिणाम के बाद अब 20 निकायों में कांग्रेस और 6 में बीजेपी का बोर्ड बनना तय हो गया। शेष निकायों में निर्दलीय अहम भूमिका निभाएंगे, लिहाजा अभी उनकी जमकर मान मनुहार हो रही है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने पार्षदों की तो पहले से ही बाड़ेबंदी कर रखी है, अब उनकी नजरें निर्दलीय पार्षदों पर है, क्योंकि 23 निकायों में उनके बूते ही पार्टियों की नैया पार होनी है। इसलिए अब दोनों पार्टियों ने निर्दलियों के दबदबे वाले निकायों में बोर्ड बनाने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को लगा दिया है।